whenever you heat some substance, the substance it loses some of its properties. Either texture can change, ठीक है, उसका कलर चेंज हो सकता है, कुछ टेक्सचर चेंज हो सकता है, उसकी जो बॉन्डिंग एंटिटी जो उसके बॉन्ड्स हैं, ठीक है, हीटिंग के कारण क्या वो टूट सकते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन द थिंग्स. जैसे पेपर है, पेपर वाइट होता है, हीट करते हैं तो ऐश के फॉर्म में उसके बिल्कुल स्टेट चेंज हो सकते हैं, राइट, स्टेट चेंज हो सकता है. तो इन द सेम वे देयर आर सम सब्सटेंसेस दैट गेट चेयरिंग में क्या होता है, वो जो सब्सटेंस है जब आप उसको बहुत ज्यादा हीट करते हो, जैसे शुगर करते हैं, ओके, तो जो शुगर है इनिशियली वो वाइट होती है, बट आफ्टर चेयरिंग यू सी वो थोड़ा सा लिक्विड ही सिरप बन जाता है, प्लस ब्राउन भी होना शुरू हो जाता है. ओके, तो जो आपका कंपाउंड है एक्चुअली वो डीकम्पोज होना शुरू होता है. ओके, तो जब हम बहुत ज्यादा अपने किसी कंपाउंड को हीट करेंगे इवेपोरेशन के लिए, सो माइट बी सम ऑफ दैट कम्स अंडर द कैटेगरी. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं नॉर्मली वो चेयरिंग अंडर होता है, ठीक है, तो शुगर एक तरह की कार्बोहाइड्रेट ही है, तो दैट विल अंडर गो चेयरिंग. एनी अदर थिंग सेपरेशन टेक्निक सर, मैं आपको बाद में बनवा देती हूं, ठीक है, एक बार ही आपको दोबारा बनवा पाने का. So after crystallization, today we will be starting with the new technique that is chromatography. So do you remember where I use this term? जब हमने क्या किया था? When we separate the components of the ink, there I actually used this term, chromatography method. तो मैंने आपको वहीं पे किया कहा था कि वेन एवर वी आर गोइंग टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंक, वेन एवर वी आर गोइंग टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इंक, वेयर द इंक इट कंसिस्ट ऑफ डाई एंड वॉटर, वेयर इंक इट कंसिस्ट ऑफ डाई एंड वॉटर, वी विल बी एम्प्लॉइंग द मेथड ऑफ evaporation, where we will be evaporating the volatile substance, which is actually the water here, and we are left with the non-volatile substance that is actually the dye. तो हमने एक्टिविटी में भी देखा था ये, ठीक है, मैंने आपको एक्टिविटी भी दिखाई थी जिसमें आप नॉर्मल अपने पेन की इंक ले रहे हो और आप उसको हीट कर रहे हो. तो यू विल सी कि आफ्टर द इवेपोरेशन ऑफ द वॉटर, तो जो लिक्विड है, ठीक है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है और आप उसको स्क्रैच कर सकते हो. That means you can obtain your dye in the solid form by the evaporation of the water, right? But if I want to separate the components of the dye, if I want to separate the components of dye, which is actually a mixture of so many colors, बहुत सारे components या बहुत सारे colors जो हैं वो dye में present होते हैं, ठीक है? अगर हमने उन कंपोनेंट्स को या उन कलर्स को क्या करना है, सेपरेट करना है, देन वी विल बी एम्प्लॉइंग विच टेक्निक, जस्ट ओके, क्लियर दिस. तो हेयर द डाई इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कलर, the number of components, and that components we will be separating with the help of chromatography method, where the word chroma, where the word chroma that is actually derived from the Greek word chromatography, jo hai wo Greek word chroma se derive ki gayi hai, okay, that means colors. So hum is technique mein kya karte hain, us substance ke colors ko separate karte hain, okay. The dye is in the form of some colors and we will be separating that colors. So the separation technique, it involves the separation of the components in the form of the colored components. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे components आएंगे वो colored form में आएंगे, red, green, yellow, blue, ऐसे color components आएंगे. Okay, clear? Now coming to the next, कि अब हमने इस technique को proceed कैसे करना है, कैसे करना है हमने सबसे पहले.
सो वॉट यू आर गोइंग टू टेक इज, आपने सब्सटेंस ले लेनी है जिसकी आपने क्रोमैटोग्राफी टेक्निक से उसके कॉम्पोनेंट सेपरेट करने हैं. आइदर यू कैन टेक एनी डाई, आइदर यू कैन टेक द मिक्सचर ऑफ स्पिनिच, पालक है, पालक का आपने थोड़ा सा एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेना है. आइदर यू कैन प्रिपेयर इट इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल, ठीक है. तो हम उसमें वो कलर्स जो हैं वो सेपरेट कर लेते हैं. अब फ्लावर्स हैं आपके, आप फ्लावर्स के कॉम्पोनेंट्स देखते हो, फ्लावर है, कलर्ड कॉम्पोनेंट है ना, तो उसमें भी बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कलर्स के. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हम फ्लावर ले रहे हैं उसको आप क्रश कर सकते हो, थोड़ा सा उसमें वाटर ऐड करो, दैट इज ऑल्सो योर कलर कॉम्पोनेंट, ठीक है. तो दैट इज ऑल्सो योर सब्सटेंस जिसपे हमने क्या करनी है, क्रोमैटोग्राफी की टेक्निक एम्प्लॉय करनी, ठीक है. तो इन दिस वे हमारे पास पहले सॉल्यूशन आ गया जिसके हमने कलर्स जो है वो सेपरेट करने हैं. आइदर यू कैन टेक फ्लावर, स्पिनच और डाई तो है ही हमारे पास, ठीक है. जो आपने सॉलिड फॉर्म में डाई ली है उसमें अगेन थोड़ा सा वाटर मिक्स करो, ओके. एंड दिस कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटेंस ऑन विच वी विल बी एम्प्लॉइंग द क्रोमैटोग्राफी टेक्निक. आइदर यू कैन डू इट विद द स्पिनच और आइदर विद द फ्लावर, ठीक है. अब हमने करना क्या है इस मेथड में, वी विल बी टेकिंग अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर. हमने एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेनी है, ठीक है. उस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप पे हमने एक लाइन लगानी, ठीक है. बिल्कुल नीचे आपने 2-3 सेंटीमीटर लाइन लगा लो आप, ओके. देन यू हैव टू टेक अ कैपिलरी ट्यूब, बिल्कुल फाइन कैपिलरी ट्यूब होती है, देखिए आपने कभी, हैव यू एवर सीन, बिल्कुल फाइन एक कैपिलरी ट्यूब होती है लाइक दिस, मतलब जैसे आपकी स्ट्रॉ है ना, उसको बिल्कुल छोटे आप फॉर्म में इमेजिन कर सकते हो, बिल्कुल छोटा सा बोर है उसका, छोटा सा होल है, ठीक है. तो ऐसी होती है आपकी कैपिलरी ट्यूब, राइट. तो आपने वो कैपिलरी ट्यूब उसमें डिप करनी है सॉल्यूशन में, एंड द कैपिलरी ट्यूब हेयर द सॉल्यूशन विल स्टार्ट इमर्जिंग, इसके बीच में सॉल्यूशन आ जाएगा आपका. और आपने वो सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल एक सिंगल ड्रॉप यहां पर मार्क, you have to mark that single drop from the capillary on this filter paper strip. अब ये method काम कैसे करता है, इस method में हमने main बात करनी है solubilities की. We will be talking about the solubilities of the compound. कि जो हमने इसमें चीज ली है, whatever we have taken, उसके जो कॉम्पोनेंट्स हैं, उसके जो कलर्ड कॉम्पोनेंट्स हैं, राइट, वो कितना डिसॉल्व कर रहे हैं उस सॉल्यूशन में. जैसे सपोज आई हैव प्रिपेयर्ड द स्पिनिच सॉल्यूशन जिसमें मैंने वाटर एज अ क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया, ठीक है. तो स्पिनिच प्लस वाटर मैंने लिया. अब मैं ये देखूंगी कि जो स्पिनिच के कॉम्पोनेंट्स हैं, जो स्पिनिच के कॉम्पोनेंट्स हैं वो वाटर में कितना सॉल्युबल है. जौन सा भी कंपोनेंट पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा वो ज्यादा ऊपर तक राइज करेगा. जो कंपोनेंट पानी में कम सॉल्युबल होगा वो पहले ही बाहर आ जाएगा, ठीक है. बाहर कैसे आएगा अब वो देखते हैं. व्हाट वी हैव टू डू इज नाउ, आपने एक ग्लास जार लेना है, ठीक है. इमेजिन अ ग्लास, ग्लास इमेजिन कर लो, वैसे ही हमारा ग्लास जार होता है, ठीक है. तो एक ग्लास जार ले लेते हैं. उस ग्लास जार में आपने ये जो स्ट्रिप है ये डालनी, ठीक है. उससे पहले हमने इसमें सॉल्यूशन फिल करना है, उसमें पहले हमने इसमें सॉल्यूशन फिल करना है. अब जो सॉल्यूशन है आपका, सपोज मैंने वाटर इसमें फिल कर दिया है, आई हैव फिल्ड द वाटर एज द सॉल्वेंट हियर, ठीक है. मैंने वाटर एज सॉल्वेंट इसमें क्या कर दिया है, फिल कर दिया. Now I'll be taking this filter paper strip, जिसके ऊपर मैंने क्या लगाया हुआ है, colored spot लगाया हुआ. Okay, this filter paper strip with the colored spot. अब मैंने इसको उठाना है और इसमें डिप कर देना, ठीक है. अब मैंने इसमें रख देना है इसको. Here you have to take one precaution and that should be कि जो आपका कलर्ड कंपोनेंट है वो आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए.
the colored component it should not dissolve in the solvent. वो उस सॉल्वेंट के ऊपर ऊपर होना चाहिए, ठीक है. बस आपका ये नीचे वाला जो पार्ट है ना फिल्टर पेपर का, ये सिर्फ इतना डिसॉल्व हो पानी. ओके, राइट. जहां पर आपने ये स्पॉट लगाया है, ये वाला पार्ट जो है उस वाटर में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए. ओके, उससे नीचे नीचे वाला जितना पार्ट है यू कैन पुट दैट इन द सॉल्वेंट. हमने इसको कवर कर देना है आइदर विद अ कवर स्लिप or any glass slip you can use. So after some time what you will see, kuch der baad aap kya observe karoge ki ye jo ek colored component maine lagaya tha, ye jo maine ek single component lagaya tha, it actually gives rise to a number of colored component. To agar iski thodi si enlarged view dekhen to ye aapko kaise nazar aayega. एक सिंगल जो कंपोनेंट है ये आपको ऐसे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की फॉर्म में क्या आएंगे नजर आए, एंड दे ऑल विल बी दी कलर्ड कंपोनेंट्स. सबका कोई ना कोई कलर होगा. तो वो जो ग्रीन कलर का मैंने स्पॉट लगाया था, अब वो आपको क्या पता येलो कलर का स्पॉट दे सकता है, ऑरेंज. वो हर एक चीज पे डिपेंड करेगा कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, फ्लावर्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, स्पिनिच के कौन कौन से हैं, जो आपने डाई बनाई है उसके कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है. लेट्स सपोज दिस इज ग्रीन, तो ऐसे आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आएंगे. क्लियर. हाइट जो है वो सॉलिबिलिटी पे डिपेंड करेगी. तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम देखेंगे कि कौन सा कॉम्पोनेंट जो है वो पानी में ज्यादा सॉलिबल है. तो पहले थोड़ा सा लिख लो, राइट डाउन. क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज यूज्ड. क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स, कलर्ड कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट colored components of a mixture. Dye is not a single colored compound. Dye is not a single colored compound. In order to separate the small dissolved solids, in order to separate the small dissolved solids, chromatography technique is employed. The technique uses the principle of solubilities of the components. The solubilities of the components in the solvent. The colored component, which is more soluble in water. will rise faster
will rise faster and will be present at a and will be present at a certain distance will be present at a certain distance then the component that is less soluble that is less soluble. अब जैसे मैंने आपको बताया है that here the principle is behind the solubilities of the components. ठीक है, अब इसमें से suppose आपके पास ये चार components आए इसके yellow, orange, red and green. अब इसमें से हमने ये देखना है कि ये components कैसे आए हैं, क्यों येलो ऊपर आया है और जो ग्रीन है वो नीचे आया है. ओके, दैट इज एक्चुअली गवर्न्ड बाय द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्वेंट. जो कंपोनेंट सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल है, द कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन दैट कंपोनेंट That solvent, जैसे मैं सपोज डाई की बात कर रही हूँ या स्पिनिच की बात कर लेते हैं. डाई और स्पिनिच का अगर हम जो सॉल्यूशन है वो वाटर में बना रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि कौन सा कॉम्पोनेंट जो है वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है. ठीक है, जो कॉम्पोनेंट ज्यादा सॉल्युबल होगा वो ज्यादा ऊपर तक राइज करेगा पानी के साथ. जैसे जैसे यहाँ से जो सॉल्वेंट है वॉटर है वो राइज करना शुरू होगा थ्रू द फिल्टर पेपर, वैसे वैसे ही जो कंपोनेंट है वो भी जो है वो पानी के साथ राइज करना शुरू करेंगे. ओके, जो कंपोनेंट पानी में ज्यादा सॉल्युबल है राइट वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा. जो कंपोनेंट पानी में लेस सॉल्युबल है वो पहले ही बाहर निकल जाएगा. तो यानी कि अगर ग्रीन कलर मुझे पहले मिला है डैट मीन्स ये जो ग्रीन कलर है ये क्या होगा, इट इज लेस सॉल्युबल इन दी वॉटर. और अगर ये मुझे येलो कलर ऊपर मिला है डैट मीन्स दिस इज मोर सॉल्युबल इन वॉटर. ओके, सो दिस इज हाउ यू गेट द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी. सो द कॉम्पोनेंट्स दैट आर लेस सॉल्युबल दे विल बी separate out first and the components that are more soluble they will reach at a certain distance at a certain height and then they will be evaporated or then they can be extracted. theek hai ji, clear ho gaya chromatography ki technique? any doubt to anyone you can ask beta. large quantities hum lenge nahi chromatography ke liye kyunki hum sirf isme क्वांटिटेटिव देखते हैं. ठीक है, क्वांटिटी देखते हैं बस राइट. तो हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में ही कितना हमारे पास जो कलर्ड कंपोनेंट्स है वो आ रहे हैं हमने वो देखने हैं कि हमने सिर्फ कलर्ड कंपोनेंट्स जज करने हैं. व्हाट द कलर्ड कंपोनेंट्स इट इज गिविंग, तीन दे रहा है, चार दे रहा है, पांच दे रहा है, सिर्फ हमने ये देखना. ठीक है, तो हम क्वांटिटी में नहीं जाएंगे कि अगर हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, क्योंकि कॉम्पोनेंट्स उसने उतने देने हैं, चाहे आप 1 ml ले लो चाहे 2 ml ले लो. अगर यहाँ पर चार आ रहे हैं 1 ml के साथ या 1 drop के साथ चार आ रहे हैं तो 1 ml के साथ भी तो चार ही आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी. व्हाट वी हैव टू सी दैट हाउ मेनी कंपोनेंट्स वी आर एक्चुअली गेटिंग, 3, 4, 5, 6 कितने कंपोनेंट्स आते हैं. और आपको दिखाने के लिए ही हम यहाँ पर कॉम्पोनेंट सीधे सीधे बनाते हैं पूरे डॉट की फॉर्म में, बट एक्चुअल में अगर आप क्रोमैटोग्राफी स्ट्रिप देखो तो ये कॉम्पोनेंट्स कभी भी आपको एज अ डॉट नहीं नजर आएंगे, ये सारे मर्ज हुए होते हैं दूसरे में एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट देम कि यहाँ पर कौन सा कॉम्पोनेंट है. ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि एक डॉट यहाँ पर है, एक डॉट यहाँ पर है, बट एक्चुअल में जब सेपरेशन होती है तो ऐसे डॉट्स क्लियरली नहीं नजर आते. कॉम्पोनेंट जो है वो ऐसे राइज करते हैं, जैसे यहाँ तक येलो आ गया, येलो के बाद ही यहाँ पर येलो, येलो के बाद ब्लू आना शुरू हो जाता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो सेपरेट होना, तो लाइक दिस दे विल बी गेटिंग सेपरेटेड. ठीक है, हाँ स्ट्रिप के ऊपर ही आएंगे, वो भी स्ट्रिप के ऊपर ही आया था.
ठीक है, वो मैंने आपको एनलार्ज व्यू दिखाया था ना स्ट्रिप का, यहाँ पर स्ट्रिप के ऊपर ही आते हैं ये कॉम्पोनेंट, बस आपको दिखाने के लिए हम डॉट्स शो करते हैं, बट एक्चुअल में ये डॉट्स नहीं आते, ठीक है, हो भी जाते हैं कई बार, बहुत अच्छे से सेपरेशन की हो तो डॉट्स आ जाते हैं, ओके। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट से कि हम जो है इसके कॉम्पोनेंट सेपरेट कर सकते हैं, बट जब हमने इसको करना है तो हमें उस टाइम पे बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, ठीक है, ताकि कॉम्पोनेंट जो है वो अच्छे से सेपरेट होके आए, नहीं होंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं कॉम्पोनेंट आएंगे, ठीक है जी। टू सेपरेट दी पिगमेंट्स ऑफ फ्लावर्स एंड अदर नेचुरल कलर्स, टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ डाई, सेकेंड यूज, टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ डाई, टू सेपरेट शुगर फ्रॉम यूरिन, तो लेबोरेटरी यूज भी है इसका, ठीक है, टू सेपरेट शुगर फ्रॉम यूरिन। नेक्स्ट एप्लीकेशन, टू सेपरेट द ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, अगेन जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन का मेडिकल यूज था वैसे ही हम इसके लेबोरेटरी यूज, टू सेपरेट द ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है जी, तो ये सारे इसके यूजेस हैं। Write down the next technique now. हाँ जी क्लियर है। Now write down the next separation technique. How to separate iron fillings from sulfur powder. How to separate iron fillings from sulfur powder? हाँ जी, क्या method है? Magnetic separation method, ठीक है? So we will be employing the magnetic separation method. Separation method. तो जहां पर भी आपको iron की चीजें पूछ लेंगे वहां पर आपने magnet से separate कर लेते हैं। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड, द नेक्स्ट मेथड इज डिस्टिलेशन मेथड और डिस्टिलेशन प्रोसेस। सो यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द टू इमिसिबल लिक्विड्स, व्हाट वर टू इमिसिबल लिक्विड्स, so that liquids they are basically form two separate layers and they don't mix with each other, those liquids we called as immiscible, ठीक है। अब उसके बाद अब हम बात करेंगे miscible liquids की, that actually mix with each other, so that liquids will be miscible liquids, so give some examples of miscible liquids, water and or salts, liquid and alcohol and water or ab ek cheez aur beta, yahan par humne thoda sa ye method un cheezon ke liye employ karna hai that are actually having certain boiling point values, जिनकी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। तो हम लेबोरेटरी सॉल्वेंट्स की बात करेंगे, जो हमारे मेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे अल्कोहल है, बेंजीन है, टॉल्यूइन है, तो ये हमारे क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स दैट आर हैविंग देयर फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो जैसे आपने फर्स्ट एग्जाम्पल दी है अबाउट द अल्कोहल एंड वॉटर, तो ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। So if they are mixed, that means I can't distinguish where the alcohol is and where the water is. So two separate layers to bani nahi, theek hai? So that means how we are going to separate them? The main principle behind their separation is their boiling point.
So they are separated on the basis of their boiling. ठीक है, अब इन्होंने क्या करना है, दे विल बी कन्वर्टिंग इन टू द वेपर स्टेट बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर. ओके, दे विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इन टू द वेपर स्टेट. जब मैं इसको हीट करूंगी एल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को, तो ये किसमें कन्वर्ट होना शुरू होंगे, वेपर्स. नेचुरली जब आप किसी लिक्विड को हीट करोगे तो वो तो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा ही, राइट. सो आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन टेम्परेचर, जब वो एक अपना सर्टेन टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर अटेन कर लेगा, उस पॉइंट पे वो क्या करना शुरू होगा, वेपराइज होना शुरू हो जाएगा. ओके, इट विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग, इट विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इन टू द वेपर स्टेट. तो वेपर स्टेट में जब वो चीज कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, दूसरी तरफ हमने उसको सॉलिडिफाई कर लेना है. ठीक है, उन गैस के वेपर्स को हमने ठंडा कर लेना है, एंड दे विल बी कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. तो दूसरी तरफ हमने उसको कलेक्ट कर लेना है. ओके, तो सपोज अगर एल्कोहल और वाटर है, राइट, तो इन दोनों में से जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो चीज पहले वेपराइज कर जाएगी, इट विल बी कलेक्टेड इन अ सेपरेट बीकर. ओके, एंड पीछे जो है वो आपका दूसरा कॉम्पोनेंट रह जाएगा. ओके, Thank you.